हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी हेवन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की पकौड़े की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और बनाने में 10 से 15 मिनट लगेगा और बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है। तो चलिए आलू की पकौड़े की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चटपटे और टेस्टी आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यह 4 उबला हुआ आलू लिया है। अब आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू मैश हो गया है। अब इसमें एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच लहसुन कूटकर या पेस्ट डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरी धनिया डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। आलू का बॉल्स बनकर तैयार है। अब हम इसे कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए 1 कप बेसन लेंगे, उसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि नमक पहले भी आलू में डाला है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिला लेंगे। इसे हम ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। अब इसमें आलू के 1 बॉल्स को डिप करेंगे इस तरह से और गरम तेल में डाल देंगे। अब इसे सावधानी से पलट देंगे और इसे इसी तरह से पलटते हुए फ्राई करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। गरम गरम आलू के पकौड़े बनकर तैयार है। अब इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही कम समय में इतना टेस्टी और चटपटा आलू के पकौड़े बनकर तैयार है। आपको जब भी खाना हो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।